नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में दोस्तों आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। जिनको नहीं पता है कि फॉलो करने से क्या होता है, हर संडे एक प्राइवेट क्लास होती है, राइट। अगर आपको प्राइवेट क्लास के लिंक्स चाहिए तो मेक श्योर आप मुझे टेलीग्राम, ट्विटर कहीं भी फॉलो कर सकती हो। जो भी क्लासेस के लिंक्स होंगे मैं आपको दे दूंगा, तो मेक श्योर आप मुझे मैसेज कर सकती हो, ठीक है। मैसेज कर दो यहाँ पर, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो कहाँ पर, मेरे ट्विटर पेज पर, जहाँ पर आपको अच्छा लगता है वहाँ कर दो, मैं आपको लिंक्स दे दूंगा। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ, जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया इंफोशेयर के बारे में। तो काफ़ी बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है, कंपनी ने Q3 रिजल्ट 2022 के आउट कर दिए। और देख लेते हैं दोस्तों कि ये स्टॉक में, इस पेन स्टॉक में जो अभी 5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें अभी आप क्या करके चल सकती हो, और ये 69-100% का रिटर्न क्या लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि जो स्टॉक का प्राइस है, एक टाइम में कहाँ ट्रेड कर रहा था आप देख सकते हो, 16 पैसे का स्टॉक था। और पर्सनली मैंने स्टॉक को 16 पैसे में बाय किया हुआ है, ठीक है। मैं हंस ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग से बिलीव नहीं करोगे, ठीक है। तो देखो इतना अच्छा रिटर्न स्टॉक ने दिया है और काफ़ी अच्छा, लोगों ने इसमें पैसा कमाया, मेरे दोस्तों ने भी कमाया, मैंने भी कमाया है, और बहुत सारे जो आप सब्सक्राइबर हैं उन्होंने भी कमाया होगा। तो जैसे मैं आपको बार बार अपडेट देते रहता हूँ स्टॉक के बारे में कि स्टॉक में क्या करना चाहिए, अगर आप वीडियोज पूरा तरीके से सुनोगे, अंत तक देखोगे, तो इतनी मैं आपको उम्मीद दे सकता हूँ। उम्मीद, हाँ उम्मीद एक बड़ी किरण होती है भाई, राइट। एक आशा दे सकता हूँ कि स्टॉक में आपको क्या करना है, आपका पैसा फंसेगा नहीं। अगर आप मेरे जो सेटअप रूल बने, आप बनाए हुए सेटअप रूल है उसको अगर तरीके से फॉलो कर लोगे, आपका पैसा कहीं नहीं मरने वाला। पैनी स्टॉक्स में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में, इवन ट्रेडिंग में भी अगर मेरे सेटअप रूल फॉलो कर लोगे, नहीं करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा घट सकता है। पहले मैं बात करूंगा इसके रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स कैसा है पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद मैं आगे अपना व्यू शेयर करूंगा चार्ट पैटर्न के बारे में। क्योंकि ध्यान देना, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मैं जो फॉलो करता हूं, मैं चार्ट पैटर्न को फॉलो करता हूं, ठीक है। मैंने जो भी स्टॉक आपको पैनी स्टॉक सजेस्ट किए थे, सिर्फ चार्ट पैटर्न को देख के किए थे, और थोड़ा बहुत उसमें मैंने एनालिसिस ऐड करी थी, फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। तो मिला जुला रूप होता है। बाकी अभी हम क्या कर सकते हैं स्टॉक में ये देख लेते हैं। मार्केट कैप देखो भाई बढ़ चुका है, जैसे आपको पता प्राइस 38 पैसे था, 12 रुपये का ही लगाया है, तो काफी अच्छा मार्केट कैप हो चुका है स्टॉक का। अब यहाँ देख सकते हो, मैं आपको नंबर्स दिखा देता हूँ, ठीक है। तो नंबर हम देख लेते हैं एक बार कि कैसे रहे कंपनी के नंबर। तो देखो दिसंबर के नंबर आपके सामने है, ठीक है। तो दिसंबर 2021 में जो सेल्स है कंपनी की 2.25 करोड़ है, मतलब सेल्स वही हुई है जो लास्ट क्वार्टर में थी, 2.25 करोड़, और लास्ट ईयर ये 3 करोड़ की सेल्स थी। तो हमारी जो कंपनी की सेल्स है देखो डिक्लाइन हुई है, और ये चीज प्राइस बोल रहा था, समझ आ गया। जो स्टॉक का प्राइस नीचे गिरा, क्यों गिरा, क्योंकि सेल्स में डिक्लाइन हमें देखने को मिला है इस बार, समझ आ गया। कंपनी को उस समय एक्सपेंस 8 लाख रुपए के थे, और इस बार जो एक्सपेंस है 59 लाख रुपए के है। उस समय कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2.92 करोड़ था, और अभी जो प्रॉफिट है 166 करोड़ का है। तो मतलब कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है डिक्लाइन है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसी वजह स्टॉक का प्राइस आपका नीचे गिर रहा था, और यह प्राइस ने हमें पहले बोल दिया था कि मेरे रिजल्ट खराब आने वाले है, मतलब मेरे जो नंबर है इतने अच्छे नहीं आएंगे, जो प्राइस हमें बोल रहा था, समझो प्राइस। मैं क्या बोला मैंने आपको, प्राइस आपको पहले बोल देगा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को पता रहता है कि कब नंबर्स आने वाले हैं, कितने नंबर्स आने वाले हैं। क्योंकि भाई कोई ना कोई व्यक्ति, अकाउंटेंट जो भी होता है, जो इस ऑडिट बनाता है, जो CA होता है, जो भी इसके बैलेंस शीट या क्वार्टरली रिजल्ट क्रिएट करता है, बनाता है, ठीक है, तो उसको तो पता चल चुका है ना कंपनी के नंबर्स कैसे आ रहे हैं, 1 महीने पहले या दो दिन पहले, 4 दिन पहले, 6 दिन पहले पता चल चुका है ना। तो वो क्या न्यूज लीक नहीं हो सकती, और इतना छोटा सा पैनी स्टॉक है, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, ठीक है। हर्षद मेहता की मेहता वाली मूवी देखी है हमने, तो उसमें भी यही बताया गया था स्कैम में, ठीक है। बाकी नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो 1.66 करोड़ का हुआ है, जो लास्ट ईयर 33 लाख रुपए का प्रॉफिट था। तो आप देख सकते हो कि उस समय 33 लाख का प्रॉफिट था, और अभी 1.66 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो तो ग्रो हुआ है, नो डाउट कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हुआ है, लेकिन सेल्स ग्रो नहीं हो रही है, ठीक है। और तो मैं यही बात आपको यही बोलूंगा, रिपीट करूंगा, कि जब तक कंपनी की सेल्स ग्रो नहीं होगी, स्टॉक का प्राइस पर्सनली ऊपर नहीं जा सकता। कहने का मतलब क्या समझो, कंपनी का नेट प्रॉफिट तो ग्रो हो रहा है, लेकिन कंपनी की जो सेल्स है, कंपनी के पास जो बिजनेस आ रहा है, वो तो ग्रो होना चाहिए, तभी तो फ्यूचर में प्राइस उसको रिफ्लेक्ट करेगा,
समझ आ गया। ये तो कोई 3200 की सेल्स हुई थी मार्च 2021 में, तभी तो स्टॉक का प्राइस आज यहाँ ट्रेड कर रहा है 6 महीने बाद, क्योंकि 3200 करोड़ की सेल्स होना के हलवा हो रखा है, समझ रहे हो। अब ये मैनुपलेट किया गया, कुछ भी किया गया, लेकिन सेल्स हुई थी भैया। अब कंपनी के मालिक बोला कि सेल्स हुई है, तो हमें उनको मानना पड़ेगा, हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा आप लोगों को कि अब भी जो कंपनी के नंबर है ठीक आए, मैं ये नहीं कहूँगा बेकार है, लेकिन ध्यान देना सितंबर 2021 के कंपेरिजन में जो नंबर है वो डिक्लाइन आए, ठीक है। सितंबर में जो नंबर से कंपनी के कितने का प्रॉफिट हुआ था, 2 करोड़ 14 लाख रुपए का, और अभी प्रॉफिट 1.66 करोड़ का हुआ, जो डिक्लाइन हो रहा है, जो डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कंपनी के नंबर ठीक ठाक आए, इतने अच्छे भी नहीं आए, ठीक है। बाकी यहाँ देखो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग 19% 16% कर दी है। अब क्वेश्चन आता है कि स्टॉक में क्या करे, भाई बेच दे पूरा का पूरा माल। अब देखो ध्यान देना, ठीक है, जब स्टॉक का प्राइस 16-17 पैसे था तब मैंने क्या बातें बोली थी, ठीक है। जो लोग पुराने हैं उनको पता, जिनके पास है स्टॉक, ठीक है, जिनके पास स्टॉक है, पैसा अच्छा खासा उनका मल्टीप्लाई हो चुका है, उनको टेंशन नहीं है ना। मैं खुद टेंशन लेता हूँ, क्योंकि मेरी खुद की कॉस्टिंग सस्ती है, मुझे कुछ टेंशन होती भी नहीं है, ठीक है। और टेंशन लू भी मैं क्यों भाई, मैं क्यों लू, स्टॉक मार्केट में टेंशन लेके थोड़ा आया हूँ मैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक चीज बोल रखी है कि कोई चीज सस्ती महंगी होती है वो प्राइस एक्शन बता देता है, बोल रखी है ना मैंने, तो आप प्राइस एक्शन को फॉलो करो, ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ काम करो बस। बाकी मैनेजमेंट को छोड़ दो, कंपनी के नंबर्स को छोड़ दो, अगर आपको कुछ नहीं आता है, प्राइस जो बोलना है वो कर लो, ठीक है। तो अभी का जो चार्ट हमें क्या कह रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। मैं सिंपल सा एक तरीका बतलाऊंगा आपको, उस तरीके को फॉलो कर लो। मैंने यहाँ इसका वीडियो बनाया था, ठीक है, लास्ट मंथ हर महीने वीडियो बनाता हूँ, देखा करो भाई वो वीडियो। मैंने क्या बोला था, जब तक ये स्टॉक इस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करा होल्ड करो, उसके नीचे जाएगा आप स्टॉक को एग्जिट कर देना। तो समझने का प्रयास करो, किसी स्टॉक का ट्रेंड पता होता है किसी तरीके से। अब वो ट्रेंड मैंने एक तरीका निकाला हुआ है कि मैं किसी स्टॉक का ट्रेंड कैसे पता करूं। बहुत लोग बोलते हैं अरे ऑपरेटर वाला स्टॉक है ये तो ऊपर जाएगा जाएगा, लेकिन भाई तुम्हें पता तो होना चाहिए कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है। तो मैंने तरीका बता रखा था आपको, जब तक ये उस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है यू कैन होल्ड, उसके नीचे क्लोज करेगा आप एग्जिट कर देना बिना सोचे समझे। जिन्होंने स्टॉक को बहुत महंगा लिया है, जिन्होंने 17 पैसे में लिया है वो तो खुश है, ठीक है, वो आराम से मजे में है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, और मजे में होना भी चाहिए। मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूँ, जो भाई सबसे पहले वीडियोस देखेगा उसका तो बेनिफिट होने वाला है, जो लास्ट में देखेगा वो हमेशा नुकसान में रहने वाला है। क्योंकि भाई 17 पैसे 12 रुपये, यार प्राइस डज मैटर ब्रो, इसमें 1000 रुपये आपका 1 लाख रुपये हो गया था, ठीक है, कर लो कैलकुलेट, अगर नहीं आता कैलकुलेशन करना करके देखो भाई। और जिस हिसाब से वॉल्यूम नीचे गिर रहा है ये स्टॉक दोबारा ऊपर जाएगा, क्योंकि मेरा जो 16 पैसे में मैंने आपको बताया था ना भाई, मेरा टारगेट स्टॉक का बहुत बड़ा है, बिलीव मी बहुत बड़ा टारगेट है। अब मैं दोबारा यहाँ पर नहीं बोल सकता, क्योंकि यार लोग ना यहाँ पर बाय कर लेते हैं और क्वांटिटी अपने औकात से ऊपर कर लेते हैं। अगर आप अपने औकात के अनुसार बाय करोगे, जो रूल मैंने आपको बताया, तो भाई आई एम हैप्पी, कर लो जितना मर्जी करना, लेकिन औकात के अनुसार जो मनी मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट, उसको ध्यान रखते हुए। फिर लोग ना ब्लेम करते हैं कि सर मैंने 6 रुपये के में बाय कर लिया आपके कहने पर, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि ब्लेमिंग गेम यहाँ पर आप खेलो, ये स्टॉक 20 पैसे मैंने जब बाय करके रखा हुआ, तो मैं आपको कैसे सजेस्ट कर दूँ कि भाई तू ले ले, तू 5 में ले ले, तू 10 में ले ले, मैं कैसे बोल दूँ। वहां पर देखो उसी को बोला जाता है जो अपने सब्सक्राइबर का भला नहीं चाहता, उसकी उसके बारे में सोचता नहीं है, क्योंकि भाई अगर ये गलती से एक पल भी उजूटन हो गया ना, 6 से 3 आ गया, तो आपकी लंका लग जानी है। और मुझे पता है स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है, आपकी लंका लग जाती है, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको डरना नहीं है, जो तरीके बता रहा हूँ उसको फॉलो करने, बहुत सिंपल से तरीके, लेकिन लोग फॉलो करने नहीं जानते, उनको लगता है कि मैं ऐसे हलवा ऐसी बदुआबाजी कर रहा हूँ यहाँ पर, बस बोल के चले जाता हूँ। पर भाई मैं जो बातें बोलता हूँ सच बता रहा हूँ, बोलने के लिए यार टाइटल में लिखा रहता है। देखो एक बंदे ने एक बात लिखी है, बहुत अच्छी बात है, देखो भाई क्या बात है, मुझे अच्छा लगा उसका कमेंट, ठीक है। और जिसने कमेंट करा भाई, तुम मुझे इंस्टाग्राम मैसेज करना, अपना खुद का पर्सनल नंबर शेयर करने वाला हूँ तुम्हारे साथ में, ठीक है, इतना तो मैं कर सकता हूँ। बहुत अच्छा कमेंट है, कमेंट देखो, ये कमेंट को मैंने यहाँ भी शेयर किया है, बहुत बढ़िया कमेंट है, हनु जैन करके नाम है इनका। भाई जो भी बंदा है जिसने कमेंट किया है वो क्या करेगा, मुझे डायरेक्टली मैसेज करेगा मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, ठीक है, या ट्विटर पेज, जहाँ करना है ये स्क्रीनशॉट मैसेज कर देना, और अपना नाम करना है हनु जैन, जो कि रियल नेम है, अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा मैं तुम्हारे साथ, ठीक है, किस स्टॉक में बाय करने वाला हूँ, और वो भी स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि इंटर डे में मैं कैसे काम करता हूँ, सब कुछ बता दूंगा, आ जाना। इस कॉमेंट पढ़ो, बहुत बढ़िया कॉमेंट है, ठीक है भाई, क्या लिखा, बहुत ढंग से पढ़ो, बहुत डीप है, या तो ये मेरी खींच रहे हैं या मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दोनों चीज कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, पढ़ो, ठीक है भाई। भाई पूरी दुनिया बोलती है शेयर ले लो, फ्यूचर मल्टीवर बनेगा, मतलब हर पैनी स्टॉक के बारे में लोग बोलते हैं, दुनिया भर बोलते रहते हैं बाय कर लो बाय कर लो बाय कर लो, लेकिन एक आप बोलते हो कि अभी नहीं खरीदना है, ठीक है, एक आप बोलते हो कि मुझे कॉपी नहीं करना है,
एक आप बोलते हो कि सही प्राइस पर खरीदना है, सबसे इम्पोर्टेंट सही प्राइस पर खरीदना है, ठीक है। एक आप बोलते हैं कि स्टॉप लॉस का हमेशा ध्यान रखना है, एक आप बोलते हैं कि वन टाइम में पैसा मत लगाना। तो ये सब चीजें भैया काफी इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने इसकी बोल सकते हो पॉइंट्स बना लिए। आपको पॉइंट्स बनाने, इसमें एक दो पॉइंट और ऐड करने, वो है मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है, ठीक है। कभी भी किसी स्टॉक को बाय करो तो मनी मैनेजमेंट को फॉलो करो, क्योंकि हमें अपना पैसा फंसाना नहीं है। आपको एक स्टॉक में पैसा डाल के छोड़ देना नहीं है, वो काम यहाँ पर काम नहीं होता है। अगर मैं एक स्टॉक का पैसा डाल दिया, आपको लग रहा है कि रोज वो पैसा कमा के देगा, नहीं, यहाँ पर आपको देखते रहना पड़ेगा, आपको हिट एंड ट्रायल करते रहना पड़ेगा, ठीक है। कोई जेब से सिक्के नहीं आता, कोई पेट से सिक्के नहीं आता है, सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए पैसा कमा के नहीं देने वाला, समझ लो बात को, ठीक है। या तो उसकी पेड क्लासेस लो, वो महंगी महंगी क्लासेस जो आप शायद अफोर्ड ना कर पाओ, ठीक है। मंथली फीस जो 2-3 हजार रुपये मंथली उनकी फीस होती है, जो आप अफोर्ड ना कर पाओ, क्योंकि भैया 1-2 साल के बाद उस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, और 1 साल 2 साल तक आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे, समझ गए। तो ये सब चीजें आपको कुछ सीखनी पड़ेगी। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये रियलिस्टिक ज्ञान है भाई, जो चीजें मैंने देख रखी है स्टॉक मार्केट में वो आपको बता रहा हूँ। लेकिन लोगों को ये चीज समझ आती नहीं है, उनको बोलना, उनको ये बोलना है भाई आंखें बंद करके बाय कर ले, फ्यूचर में मल्टीपल बनेगा। भाई ऐसे स्टॉक मार्केट काम नहीं करती, ठीक है। तो ये बातें बहुत अच्छी है, इन्होंने लिखा है फॉलो करो भाई, अच्छी बात है, इन्होंने अच्छा बोला जो भी बोला है। तो मैं आपको उसका मूवी का भी बताता हूँ, इंडिया इन्फो का, ये फॉलो कर लेना, ठीक है। जब तक इसके नीचे ट्रेड कर रहा है सेल करो, जब ऊपर क्लोज करेगा खुद मूविंग एवरेज बोलेगा मुझे बाय करो, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट का फॉलो कर लो, आपका काफी अच्छा पैसा बच जाएगा फंसने से। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये स्टॉक में आपको अप्लाई करना है 34 पीरियड का मूविंग एवरेज। जी हाँ दोस्तों, 34 पीरियड का मूविंग एवरेज फील्ड क्लोज रहेगा, टाइप सिंपल है, आपको डन कर देंगे। और आप देख सकते हो यहाँ से क्लोजिंग कर दी है, इट मीन्स यहाँ पर आपका सेल ट्रिगर हो चुका है। और यहाँ देखो आपको मौका भी मिला था स्टॉक एग्जिट करने का, और यहाँ भी मौका मिलता आपको एग्जिट करने का, मतलब स्टॉक को आपको अभी बेच के चलना चाहिए, ना कि बाय करके चलना चाहिए, समझ आ गया। जब तक ये दोबारा से 34 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं करता, आप स्टॉक को बाय नहीं करोगे। अब आप बोलोगे सर ये तुक्का क्यों मार रहे हो, बिलीव मी दोस्तों ये काम करेगा। जब तक ये दोबारा 34 के ऊपर नहीं जाएगा, ये स्टॉक ऊपर नहीं जाने वाला, बिलीव मी। प्राइस एक्शन डज मैटर, ये प्राइस एक्शन का पार्ट है, स्टॉक का ट्रेंड बताता है। देखो यहाँ एक ट्रिगर हुआ था ऑलमोस्ट 1 रुपए में, और प्रॉफिट हमने बुक किया 8 रुपए में, तो ये पैनी स्टॉक का ट्रेंड बताता है। अब आप बोलोगे सर 2022 में 21 में क्या मूविंग एवरेज था, 2021 में स्टॉक का मूविंग एवरेज अलग था, 2022 में अलग होगा। और मैंने ऐसे बहुत सारे ट्रेड आपको सिर्फ मूविंग एवरेज की सेटिंग को देख के ही बताए हैं, और बिलीव मी दोस्तों इट वर्क, वो काम करता है। सिंकॉम फॉर्मेशन देख लो, 3 रुपए में बताया था, 9 रुपए प्रॉफिट बुकिंग करी, ठीक है, करी नहीं करी, करी हमने भैया, फिर दोबारा 6 रुपए में बाई किया था, फिर 12 रुपए में बेचा, समझ गए। तो ये सब चीजें ट्रेंड है, और ट्रेंड कैसे पता चलेगा, इस मूविंग एवरेज से। अगर आप एक घसीटा जो 200 मूविंग एवरेज सब अप्लाई करते हैं, उसी को यूज कर करके सब अप्लाई करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा, थोड़ा अलग एज लेके आओ। तो ये एज मेरी है कि मैं एक स्टॉक के लिए मूविंग एवरेज निकालता हूँ जो मुझे स्टॉक का ट्रेंड बताता है। तो अभी का जो ट्रेंड है स्टॉक का, डाउन ट्रेंड हो चुका है, आपको स्टॉक को एग्जिट करना चाहिए, बाय नहीं करना चाहिए। बाय कब करना चाहिए, जब इसी मूविंग एवरेज को क्लोज करे, और जब एक अच्छी खासी रेंज बनाए। देखो रेंज का मतलब ये होता है कम से कम 1 या 2 महीने बिता ले एक टाइम में, एक पीरियड में, तब आप स्टॉक को दोबारा एंट्री कर सकती हो, अदरवाइज स्टॉक को आपको बाय करके नहीं चलना है, समझ आ गया भाई व्यू। और जिन्होंने स्टॉक को 20-30 पैसे में बाय किया वो क्या करेंगे, अरे भाई होल्ड करो, मैंने क्या बोला है, जैसे ही आपका 100% का रिटर्न आए ऑन योर कैपिटल, आंखें बंद करके कैपिटल निकाल लो, और इंतजार करो फिर बड़े टारगेट के लिए, बड़े गोल के लिए। बड़ा गोल किया है, 12 रुपए का टारगेट बड़ा गोल नहीं था मेरा, मेरा बड़ा गोल इसका बहुत बड़ा गोल है, ठीक है। उसको आने में इंतजार लगेगा, टाइम लगेगा, तो 5 से 10 साल भी लग सकता है, लेकिन जो टारगेट होगा वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है, बाकी मर्जी आप लोगों की। तो मैंने अपना व्यू शेयर कर दिया, ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है, प्लीज दिल से मत लगाना, डिस्क्लोज कर देना चाहता हूँ। ये स्टॉक मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है, तो मैं आपको गलत सजेशन नहीं देना पसंद करूंगा, और मैंने स्टॉक को 17-18 पैसे सच्ची में बाय किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज एक बार खुद की रिसर्च ऐड कर लेना। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।